गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं उमंग भाटिया एंड ये है मेरी जूली भाटिया। भाटिया नहीं, जूली भाटिया नहीं है, नहीं है। हेलो बोल दो, हैप्पी होली कर दो सबको, करो नहीं। गुगु पुगु सो जूली जा चुकी है, पापा से घुमा लेके गए हैं, सो यू हैव टू बेयर ओनली मी। सो या हेलो गाइस, वेलकम। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पोस्ट होली स्किन केयर। सो होली मैंने ज्यादा नहीं खेली है, होली मैंने खेली है बस गुलाल वाली खेली थी, ज्यादा नहीं खेली थी क्योंकि अभी वायरस वाला सीन चल रहा है तो भाई हम तो उतनी भी नहीं खेलते। लोगों ने आके रंग लगा दिया, बस ये वाला सीन हुआ था। मैं सोचा उसके बाद भी स्किन केयर कर लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फेस को क्लीन करने से। क्लीन करेंगे हम इसे बहुत अच्छे तरीके से, वो भी क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। दिस इज अ फोमिंग फेस वॉश, ऑयल फ्री है, वोंट क्लॉग योर पोर्स। ये काफी अफोर्डेबल है, ट्रेवल फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से काम करता है, जो इसमें लिखा हुआ है ये वही करता है। तो वैसे भी सबने ट्राई तो कर ही रखा होगा, बट स्टिल। तो अब मैंने कर लिया है फेस अपना वाइप। जब भी मुंह धोते हो आप, तो आप ये ध्यान रखो कि एक मिनट तक अच्छे से आप अपने फेस को वॉश करो, क्योंकि आप 15 से 20 सेकंड लगाते हो तो फिर वो करना करा एक बराबर जाता, फिर वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए होता है पर एक्चुअल में कोई ढंग से वर्क नहीं किया होता है। अच्छे से इंप्योरिटीज को, गंक को अपने फेस से अगर आपको निकालना है, तो अगर आप दो बार भी फेस वॉश करते हो, एक मिनट तक अच्छे से तरीके से करते हो, तो एटलीस्ट दैट इज वर्थ इट। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब का। स्क्रब के लिए ये मैंने बनाया है कॉफी हनी स्क्रब। हाँ, तो ये मैंने बनाया है कॉफी हनी स्क्रब। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, पहले कॉफी डाली, जो नॉर्मल 2-2 रुपए वाले पाउचेस होते हैं उनमें से कॉफी ली, हनी डाला, एंड उसके बाद रात को मैंने जो ऑरेंज होते हैं, ऑरेंज का जो पील होता है उसको पानी में भिगो के रखा था, ताकि उसका जो विटामिन सी है वो सारा का सारा उसमें जज्ब हो जाए पानी में। तो इसलिए जो हल्का सा ये रनी है ये उस पानी की वजह से है। ओके, जो कॉफी होता है वो आपकी जितनी भी डेड स्किन सेल्स है उसको रिमूव करता है, क्योंकि उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो ऐसी होती है। प्लस जो हनी होता है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, एंड विटामिन सी तो भाई है ही चमत्कार। ओके, सो गाइज, अब हमारा फेस वॉश हो गया, स्क्रब हो गया। नेक्स्ट बारी हमारे पैक की। तो पैक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एबीसी सीरीज का ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक एक्टिवेटेड बैम्बू चारकोल फेस पैक। इट डीप क्लेंजेस एंड डीटॉक्सिफाइज। सो इस तरीके का है ये कुछ पैक, एंड ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, चारकोल बेस्ड है ये, ठीक है। एंड इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा ही आप अपनी फिंगर पे लो, एंड ब्रश से नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। इसको सर्कुलर मोशन में रब करते करते अपने फेस पे लगाना होता है। ज़्यादा थिक नहीं है इसको, मतलब मोटा मोटा मत लगाना, पतला ही लगाना तो सही रहेगा। एंड इसको लग जाते हैं सूखने में 20 से 25 मिनट आराम से। बहुत अच्छे से, मींस जो होता है ना इम्प्योरिटीज होती है, जितना भी आपको मतलब स्किन डेड डेड सी लग रही हो, बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करता है। आपको फर्स्ट यूज में ही डिफरेंस पता लग जाएगा। ये मैंने अपने आई थिंक एक मंथली फेवरेट्स में भी शायद इसे मैंने इंक्लूड किया था। हाँ, किया था इसको, पता नहीं किसमें किया था, मैंने इसका जिक्र एक वीडियो में अपनी कर भी रखा है। एंड इसे पतला लगाओगे तो जल्दी सूख जाएगा, बिकॉज मोटा लगाने का कोई फायदा नहीं है स्किन पे, तो आपकी वजह सबसे नीचे वाली लेयर ही जा रही होगी ना, तो मोटा लगा के क्या फायदा।
सो अब इसे लगा लिया है, 15 से 20 मिनट बाद हम इसे वॉश करेंगे एंड फिर बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सो चारकोल जो फेस पैक है वो मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया है, उसको भी मैंने अच्छे टाइम के लिए रखा था एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। एंड अब क्योंकि सारी गंक है, इम्प्योरिटीज़ है, जितने भी मीन्स डेड स्किन थी वो निकल चुकी है एंड अब बारी है हाइड्रेशन की। तो हाइड्रेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक सी वीड पैक। सो ये बेसिकली ओवरनाइट स्लीपिंग पैक है, लेकिन इसको अगर आप 20 से 25 मिनट के लिए भी लगाते हो तो दैट वुड बी ऑल्सो गुड। लेकिन ओवरनाइट के लिए तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन 20 से 25 मिनट लगाओगे तो भी अच्छे खासे रिजल्ट्स आएंगे। सो इसको भी मैं एक बहुत थिन लेयर में लगाऊंगी एंड इसका छोटा साइज भी आता है, यू कैन परचेज दैट एज वेल इफ़ यू वॉन्ट टू। सो ये बहुत क्लियर जेल है, इसका जो रिव्यू है वो मैंने कर रखा है, ये भी मैं आई बटन में दे दूंगी प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको भी यू कैन सी कि जेल की तरह ही है एंड बहुत ही फाइन, बहुत फाइन लेयर लगाई है क्योंकि इतनी इनफ होती है एंड बहुत ही हाइड्रेटेड ग्लोइंग स्किन लगती है। इसके बाद 20 से 25 मिनट तक इस हाइड्रेटिंग सी वीड पैक को लगाने के बाद यू कैन सी कि मैंने फेस वॉश किया एंड यू कैन सी द ग्लो, ठीक है। एंड एट लास्ट अब मैं लगाने वाली हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर था ये, क्योंकि इसका भी मैंने स्टीकर निकाला हुआ है। सो ये वाला अब मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, बहुत हैवी क्वांटिटी में नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी अभी हमने फेस को हाइड्रेट किया है, कि कोई भी चीज़ ओवरडू मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। इतनी क्वांटिटी में लगाऊंगी फेस पे, आई विल वॉर्म इट अप बिटवीन माई हैंड्स एंड देन आई विल यूज इट। ओके गाइस एंड वी आर डन, अभी भी थोड़ी सी हल्की सी बच गई है बट इट्स ओके। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉयड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।